यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुरदास। भारत जागो यात्रा के दौरान आइए सुनाते हैं राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना है। मराठी में पूछिए। नहीं, इट्स बेटर। सर, तुम्ही म्हणता की भारत जोडा भारत जोडा, परंतु तुमचे सगळे विरोधक असे म्हणतात की भारत तुटलाच नाही, जोडण्याचा कुठे प्रश्न आहे? भारत नेमका कुठे तुटलेला आहे असं वाटतं तुम्हाला? हाँ, समझ गया, मराठी समझता हूँ मैं। तो आपने कहा कि भारत जोड़ों की क्या जरूरत अगर भारत टूटा ही नहीं। देखिए, भारत में पिछले 8 साल से डर का माहौल, नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। शायद बीजेपी के नेता हिंदुस्तान के किसान से बात नहीं करते हैं, हिंदुस्तान के युवाओं से बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो उनसे बात करते तो उनको पता लगता कि हिंदुस्तान के किसान को, हिंदुस्तान के युवा को सामने का रास्ता नहीं दिख रहा है। बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई फैल रही है, किसान को सही दाम नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस माहौल के खिलाफ खड़े होने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और ये कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाएगी। और अगर लोगों को नहीं लगता कि इस यात्रा की जरूरत है तो फिर लाखों लोग बाहर नहीं निकलते। थैंक यू। राजेश चेरा पैसा कल भैया, ये आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, खारगे जी से। ही इज नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू गिव डायरेक्शन। मेरा लक्ष्य भारत जोड़ो यात्रा पर है। अब ये इसमें 2-3 महीने और लगेंगे, तो मेरा पूरा का पूरा फोकस इस यात्रा पे है और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत सीखने को मिल रहा है, बहुत लोगों से समझने को मिल रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है। नीरज जावडेकर, महाराष्ट्र टाइम्स। नीरज जावडेकर, महाराष्ट्र टाइम्स। फिर से बोलिए, जरा ट्राई करता हूँ। नहीं नहीं, मराठी में। नहीं, ट्रांसलेट कीजिए कि ये जब यहाँ आए, गांधी जी भी आए थे, हम भी आए, क्या प्लान करके आए हैं या ऐसे ही हुआ? नहीं, कोई प्लानिंग। महात्मा गांधी यहाँ थे तो ये अच्छा पॉजिटिव है। आप पहले ठीक तरीके से समझना है। आमतौर से क्या होता है लोकतंत्र में, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ती है और जो युद्ध का मैदान होता है उसको जो देश के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उस युद्ध के मैदान में फेयरनेस क्रिएट करते हैं। आज क्या है कि ये एक राजनीतिक पार्टी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है, और मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। एक तरफ हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं, बोलना नहीं चाहिए मगर विपक्ष का प्रेस पे तो कंट्रोल नहीं है, हैगा? प्रेस पे तो कंट्रोल नहीं है ना, तो बीजेपी का प्रेस पे कंट्रोल है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पे कंट्रोल है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो ये परसेप्शन सच परसेप्शन नहीं है, ये परसेप्शन सुपरफिशियल ऊपर का परसेप्शन है, मगर अगर आप नीचे जाएं और जनता से पूछें तो आपको बहुत एकदम दिख जाता है कि जनता क्या कह रही है और ऊपर परसेप्शन क्या बन रहा है, उसमें फर्क है। संजय खांडेकर।